हेलो एंड वेलकम दोस्तों, स्वागत है आपको आरएमसी बेचिंग प्लांट इंडिया में एक बार फिर से। तो दोस्तों आज हम टेस्ट करने वाले कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन ऑफ क्यूब। तो कंक्रीट जो क्यूब होता है उसकी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन कैसे चेक किया जाता है, क्यों चेक करते हैं, उसके आईएस कोड क्या होता है, इसके बारे में आज हम बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम अपना जो क्यूब है उसकी डायमेंशन चेक करेंगे। लेंथ है, ब्रेथ है एंड हाइट है। तो हमारी डायमेंशन देखने के लिए हमने एक स्केल ले लिया। स्केल की मदद से हम देखेंगे। देखिए हमारी मेजरमेंट चालू है लेना। लेंथ हो गया अपना, ब्रेथ हो गया एंड हाइट ले लेंगे। उसकी हाइट भी अपनी 150, मतलब अभी हमारी डायमेंशन सही है क्यूब के। उसके बाद हम वेट करेंगे। उसके वेट करने के बाद, वेट इसलिए किया जाता है ताकि जो क्यूब होता है हमारी उसकी डेंसिटी देखा जाए। तो डेंसिटी के लिए वेट लिया जाता है। तो पहला क्यूब का वेट देख लेते हैं हम कितना आता है। तो जैसे कि आप देख सकते हो हमारे पहले क्यूब का वेट है 8.650। तो चलिए अब कॉम्प्रेसिव स्ट्रेंथ चेक करते हैं। कैसे चेक करते हैं, उसकी कैलकुलेशन का प्रोसीजर कैसा है, सब बताएंगे हम आपको अभी। तो आप देख सकते हो यह हमारी कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन मशीन है। इसमें हम अभी टेस्ट करने वाले हैं। इसमें हम क्यूब लगाएंगे और कॉम्प्रेसिव स्ट्रेन चेक करके आपको बताएंगे कि कैसे चेक करते हैं। क्यूब जो होता है उसकी, जिसके ऊपर हम लिखते हैं, वो जो साइड है, फेस है, वो हमारे सामने की तरफ रखते हैं और उसको प्रॉपरली सेंटर टू सेंटर हम बिठाएंगे। सेंटर टू सेंटर बिठाने के बाद उसको हम टाइट करेंगे अच्छी तरह से और उसके बाद हम शुरू करेंगे अपनी मशीन को। तो चलिए टेस्ट प्रोसीजर चालू करते हैं। तो आप देख सकते हो हमारी टेस्टिंग चालू हो गई है। कंक्रीट क्यूब के कंप्रेसिव स्ट्रेन इसलिए चेक किया जाता है ताकि हम जो कंक्रीट बनाते हैं उसकी स्ट्रेन कितनी होती है, प्रॉपर स्ट्रेन है कि नहीं है, जो कंक्रीट हमने भेजा है उसमें स्ट्रेन कम है कि ज़्यादा है, उसके ग्रेड वाइज रहता है। M10 से लेके हम जो मैक्सिमम यूज़ करते हैं M50 तक यूज़ करते हैं। तो अभी जो क्यूब हम टेस्ट कर रहे हैं वो M35 की क्यूब टेस्ट कर रहे हैं। उसकी हम कंप्रेसिव स्ट्रेन देखेंगे कि M35 का है अभी 7 डेज़ का है कि 28 डेज़। 7 डेज़ का है तो 7 डेज़ में कितना आना चाहिए, 28 डेज़ है तो 28 डेज़ में कितना आना चाहिए, ये हम चेक करेंगे। तो देख सकते हो हमारी 7 डेज़ का स्ट्रेन आ गया है। लोड आया हमारा 605.7 और स्ट्रेन आया 26.92 MPa। तो उसका कैलकुलेशन है, हमारा जो एरिया होता है, एरिया डिवाइडेड बाई लोड होता है। एरिया हमारी 22.7 है, 22.7 लोड आया, लोड डिवाइडेड बाई 22.7 करेंगे तो हमारी वैल्यू आ जाएगी 26.92 MPa। और उसमें IS कोड जो यूज़ होता है वो 516 IS कोड यूज़ किया जाता है अपना कंप्रेसिव स्ट्रेन चेक करने के लिए क्यूब के। और हमारे जो क्यूब है, क्यूब के डेंसिटी निकालने का जो फॉर्मूला होता है, जो हमारी वेट आता है, वेट डिवाइडेड बाय इसकी वॉल्यूम होता है। जैसे कि हमारी, हमें पता है हमारा उसका जो साइज होता है 150 बाई 150 बाई 150, तो उसकी वॉल्यूम हो गया 0.00 3375। तो वेट डिवाइडेड बाई उसकी वॉल्यूम करेंगे तो हमें उसकी डेंसिटी मिल जाता है कि इसका डेंसिटी कितना आता है। तो हमारी डेंसिटी का कैलकुलेशन भी आपको पता चल गया। क्यूब के कैसे टेस्ट करते हैं ये भी आपको पता चल गया। क्यूब किस लिए अपना टेस्ट किया जाता है, क्यूब कास्ट क्यों करते हैं ये भी आपको पता चल गया, और उसमें IS कोड क्या होता है ये भी आपको पता चल गया है। तो आप, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। और ऐसे ही वीडियो आगे देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ऑल में, ताकि जब भी हम कोई नई वीडियो डालें तो सबसे पहले आपको मिले। थैंक्स फॉर